हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब कुछ ठीक है? मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा चैनल, यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो एक बहुत मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर है, जो सवाल कुछ इस तरीके से है कि कंसेप्ट आपको समझाना है रेजोनेंस का और उसके कुछ एप्लीकेशंस को बताना है कि रेजोनेंस क्या होता है और उसका दैनिक या फिर दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस से हमारा मतलब है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। रेजोनेंस आपका केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दिया है और साथ ही साथ आगे में हम लोग एनिमेशन वीडियो के साथ साथ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का कुछ कुछ एप्लीकेशंस को एकदम एनिमेटेड वीडियो के साथ समझेंगे। तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आकर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तब उत्पन्न होता है व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस कॉज्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कॉज्ड बाय ए कैपेसिटर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन फेज। कहने का मतलब है, इससे पहले हम लोग RLC सर्किट को बहुत अच्छा से पढ़ा था और उससे भी अब पहले हमने RL सर्किट और RC सर्किट को भी बहुत अच्छा से पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में बात किया था। तो इंडक्टिव सर्किट में हमारा जो वोल्टेज था वो था आपका V0 साइन ओमेगा टी और जो करंट था वो I = I0 साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री कम था, -π/2। तो ये था इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट का इक्वेशन। तो यहाँ पर वोल्टेज में साइन ओमेगा टी है लेकिन करंट में साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री कम है। और वहीं हम लोग कैपेसिटिव सर्किट में बात किए थे तो वहाँ पर वोल्टेज सेम था, यानी V = V0 साइन ओमेगा टी, करंट वहाँ पर I0 साइन ओमेगा टी +π/2 था। तो यहाँ पर देखिए, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इंडक्टिव सर्किट आपका वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहता है फेज में, ठीक है, फेज एंगल में, और जो आपका कैपेसिटिव सर्किट है वो का वोल्टेज से आपका 90 डिग्री अधिक रहता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने इंडक्टिव सर्किट के लिए उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा था XL और कैपेसिटिव सर्किट में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखा था XC। इतना कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त है पहले से। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये चीज़ भी आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस RLC सर्किट का एक स्पेशल कंडीशन है। RLC सर्किट का हमने दो कंडीशन RLC सर्किट वाला वीडियो में ही पढ़ा था, एक जब XL इज़ ग्रेटर देन XC और दूसरा कंडीशन था XC इज़ ग्रेटर देन XL, XC इज़ ग्रेटर देन XL। ये दो कंडीशन हम लोग RLC वीडियो उसी वीडियो में हमने देखा था। लेकिन एक और कंडीशन उत्पन्न होता है जो होता है इफ़ XL इज इक्वल टू XC, ये वाला केस। और ये वाला केस हम लोग RLC सर्किट वाला वीडियो में नहीं किए थे। तो ये वाला केस, एक अलग नाम इसको दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है, यानी इसी केस को ही हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ये कोई स्पेशल, कोई मतलब बहुत अलग चीज़ नहीं, ये आपका RLC सर्किट का ही एक स्पेशल केस है जब XL इज इक्वल टू XC होगा। यहाँ पर XL क्या है? XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC क्या? XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। वही आपका डिफिनेशन में लिखा गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में ही उत्पन्न होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उन दोनों का फेज एंगल अलग अलग होता है, बट ऑपोजिट इन फेज। जैसा कि आपको पता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस में जो वोल्टेज V = V0 साइन ओमेगा टी और करंट का होता है I0 साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री कम होता है, तो फेज एंगल 90 डिग्री कम है। कैपेसिटिव सर्किट में फेज एंगल 90 डिग्री अधिक है, यानी दोनों में ऑपोजिट फेज एंगल है, अलग अलग फेज एंगल है। तो लेकिन वहाँ पर हमने देखा था ये एक स्पेशल केस में XL = XC होता है। तो इसी स्पेशल केस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि दिस रिजल्ट्स इन द सर्किट हैविंग ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और जब XL = XC हो जाता है तो वो जो सर्किट है ना, मेरा प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करता है ना मेरा प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरह बात करता है, यानी काम करता है, वो मेरा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, वो मेरा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। समझ में आ रहा है? कब मेरा RLC सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे? जब XL का वैल्यू बराबर हो जाएगा XC से,
कब, जब एक्सएल का वैल्यू बराबर हो जाएगा एक्सी से, तब मेरा आरएलसी सर्किट को हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। तो दिस रिजल्ट्स इन द सर्किट हैविंग ए प्योरली रेजिस्टिव इंपीडेंस, यहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव इंपीडेंस होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। तो प्योरली रेजिस्टिव इंपीडेंस कब होता है, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, एक पर्टिकुलर ओमेगा का वैल्यू पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पर, न्यू के वैल्यू पर। नहीं समझ में आ रहा, आगे हम लोग विस्तार से और बात करेंगे, वहाँ पर समझ आते रहेगा। और इसी जो फ्रीक्वेंसी है, यही जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर मेरा वो जो आरएलसी सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करने लगा, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए। तो यहाँ पर फिर देखते हैं कि यहाँ पर हमको पता है कि जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्योरली रेजिस्टिव इंपीडेंस, तो ये प्योरली रेजिस्टिव इंपीडेंस, तो उसका इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्योरली रेजिस्टिव इंपीडेंस कहने का मतलब ये जो जेड का वैल्यू है वो आर के बराबर हो गया, ठीक है। ये जेड का वैल्यू आर के बराबर कब हो गया, जब एक स्पेशल कंडीशन लगा एक्सएल बराबर एक्सी, ठीक है। क्यों लगाए, क्योंकि ये आपका रेजोनेंस कंडीशन में चला गया, तो वहाँ पर जो मेरा जेड है यानी जो इंपीडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव इंपीडेंस बन गया। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंडीशन में जो करंट, जो सर्किट है वो काम करने लगता है, बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। वो जो रेजोनेंस का कंडीशन में जो मेरा आरएलसी सर्किट है वो कैसा काम करने लगेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करने लगा। और वहाँ पर जो इंपीडेंस का वैल्यू होगा वो ओनली आपका स्मॉल आर पर डिपेंड करेगा। ओनली वो किस चीज़ पर रेस्पॉन्सिबल होगा, ओनली कैपिटल आर यानी रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा, वो मेरा आरएलसी सर्किट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करने लगेगा। अब जैसा कि हमको यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन है कि एक्सएल बराबर एक्सी, तो यहाँ से हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को भी निकाल लेते कि किस फ्रीक्वेंसी पर ये जेड है वो आर के बराबर होगा, ये जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ये जो मेरा आरएलसी सर्किट था वो रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है उसको हम लोग निकाल लेते। तो जैसा कि एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्सएल का फॉर्मूला एल ओमेगा और एक्सी का फॉर्मूला 1/c ओमेगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये एक्सी गुना हो जाएगा आपका, ये ओमेगा सी आपका एल ओमेगा के साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा और ओमेगा हो जाएगा 2 ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर, और ये एल और सी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1 के नीचे में, और यहाँ पर ओमेगा को निकाल लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा पूरा पूरी 1/LC, तो 1 का तो रूट 1 ही निकलता है, लेकिन एल सी आपका रूट में ही रह जाएगा। और इस तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी निकाले, ये जो ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसी को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जब आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2π ν या फिर 2π f, और ये f क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये f क्या है, ओनली फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एक सिंपल से इसको, और ये वाला भी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा मेरा, ये वाला भी लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा मेरा, रेजोनेंस लीनियर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एफ आर का वैल्यू निकालेंगे तो 1/ ये जो 2π था वो नीचे आ गया, अंडर रूट एल सी के साथ आ गया, तो 2π√LC, तो ये हो गया मेरा दोस्तों वेयर ये जो एफ आर है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट लीनियर फ्रीक्वेंसी भी आप बोल सकते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट लीनियर फ्रीक्वेंसी। चलिए, एट दिस फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी पर जो करंट है वो क्या करने लगा, ओसिलेट करने लगा विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको भी आगे समझेंगे, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो करंट है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को प्राप्त कर लेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, चलिए ओसिलेट करने लगेगा, इसको हम ग्राफ के माध्यम से आपको आगे समझेंगे। अब यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस को बहुत अच्छा से समझ लिए हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छा से समझ लिए, और क्या समझे हैं, प्योरली रेजिस्टिव जो आपका इंपीडेंस है उसको समझ लिए हैं, यानी जेड आपका आर के बराबर हो जाएगा। अब समझते हैं रेजोनेंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक है आपका सीरीज रेजोनेंस और एक आपका पैरेलल रेजोनेंस, एक है सीरीज रेजोनेंस, एक है पैरेलल रेजोनेंस। अब ध्यान से हम लोग सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस को समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सीरीज रेजोनेंस का सबसे पहले हमको ये रेजोनेंस ये कहाँ पर उत्पन्न होता है, आरएलसी सर्किट में, तो आरएलसी सर्किट को एक छाप लेंगे, तो यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस होगा, इसका मतलब जो मेरा आरएलसी सर्किट छापेंगे वो मेरा सीरीज आरएलसी सर्किट होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ आरएलसी को जोड़ दिए, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर को जोड़ दिया, जिसका रजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी और इंडक्टेंस एल है। तो यहाँ से जब करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ जब करंट आई गया, तब यहाँ पर हम लोग जेड का जिस तरीके से अभी वहाँ पर निकाले थे कि वो मेरा आर के बराबर हो गया था, जेड इंपीडेंस क्यों हुआ था, क्योंकि वो रेजोनेंस का कंडीशन में चला गया था एक्सएल बराबर एक्सी।
तो ये जो जेड अभी निकाले, ठीक है, तो ये जेड क्या है मेरा, आर के बराबर हो गया। अब जैसा कि ये सर्किट कैसा सर्किट है, रेजिस्टिव ये कैसा सर्किट है, ये मेरा सीरीज सर्किट है। हम लोग कौन सा सर्किट में बात कर रहे हैं, सीरीज सर्किट में बात कर रहे हैं। तो बताइए सीरीज सर्किट में कौन सा फैक्टर सेम रहता है, करंट सेम रहता है ना वोल्टेज सेम रहता है। तो ये जो करंट आई गया, यही आई इसमें भी जाता है और यही आई इसमें भी जाता है और यही आई इसमें भी जाता है और फिर आ करके इसमें घुस जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब सीरीज सर्किट में मेरा करंट सेम होता है। तो अब हम करंट से तुलना करेंगे जेड को या फिर आर को, क्योंकि यहाँ पर जेड मेरा आर के बराबर है। तो यहाँ पर हमको पता है, क्या पता है, कि जो करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से वी बटे आई आर होता है। होता है क्या नहीं, ओम्स लॉ से वी बटे आई आर है, वी बराबर आई बराबर वी बटे आर या फिर वी बराबर आई आर, होता है क्या नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे कि यहाँ पर आर के जगह में हम जेड भी लिख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये रेजोनेंस का कंडीशन में चला गया। तो इसका मतलब और सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा करंट क्या रहता है, सेम रहता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए करंट मैक्सिमम रहता है। तो करंट अगर मैक्सिमम रहेगा है, करंट अगर मैक्सिमम रहेगा तो जेड मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा, या फिर आर मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि क्यों ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये जो आई के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन में है, है? अगर मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट यदि मैक्सिमम होगा या फिर अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा या फिर इम्पीडेंस कम होगा दूसरे शब्दों में, है। तो यही यहाँ पर कहा गया है, एक नोट में आपको बताया गया है कि वी नोट डेट, हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर सीरीज सर्किट में, ठीक है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में करंट इज मैक्सिमम, करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो या फिर हैंस इम्पीडेंस विल बी मिनिमम, इसलिए जो जेड का वैल्यू है वो अपने आप मिनिमम हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर जो आर है वो अपने आप मिनिमम हो जाएगा एट सीरीज रेजोनेंस। और ऐसा कब होता है, सीरीज रेजोनेंस में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है और रेजोनेंस का कंडीशन भी लग रहा है, तब मेरा क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है और इम्पीडेंस मिनिमम होता है। यही वाला चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन में वो जो करंट है, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं सीरीज रेजोनेंस में जो आपका इम्पीडेंस है वो होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, या फिर करंट्स के बराबर होता है। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो जैसे आप लोग देखेंगे सीरीज, तो सीरीज में आपको क्या पता है कि मैक्सिमम क्या रहता है, करंट। तो करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में वी बटा आर और आर बराबर जेड, क्यों, रेजोनेंस का कंडीशन लगा है, तो जेड का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, क्यों, सीरीज में करंट मैक्सिमम होता है, बस। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जेड होगा वो मिनिमम होगा। चलिए ये हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग वो वाला ग्राफ वाला जो बात किए थे, जो मैं आपको बताया था कि चलिए आगे आपको समझाऊंगा, यहाँ पर एट दिस फ्रीक्वेंसी द करंट कैन ऑसिलेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, जो करंट वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। ये समझिए, यहाँ पर ये समझिए, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इधर वाला हम लोग एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को लिए है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्योंकि FR है, और ये वाई एक्सिस में हम लोग करंट को ले लिए, ठीक है, दो एक्सिस में दो फैक्टर को ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अभी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो करंट भी मेरा जीरो है, फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाए यहाँ पहुँचा, तो फिर मेरा करंट भी यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ इस तरीके से करंट भी यहाँ पहुँचा। फिर जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, करंट भी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, करंट भी बढ़ रहा है। अब एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जहाँ पर करंट मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, हैं, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जहाँ पर करंट मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जो जिस पॉइंट पर करंट मेरा मैक्सिमम हो गया, उसी पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी हमको मैच कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसी मैक्सिमम करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया जहाँ पर मेरा करंट मैक्सिमम हो गया, वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मैच किया, इधर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था ऐसा नहीं, लेकिन इसको हम ओनली FF बोल रहे थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मेरा करंट मैक्सिमम हो गया, और जिस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम हो गया उसका सीधा में जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी मेरा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बन गया, कौन सा फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन गया। तो इस तरीके से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो मैक्सिमम करंट से मैच करता है। अगर दूसरा शब्दों में कहा जाए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस, ये जो रेजोनेंस है या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, XL और XC के अलावा, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अलावा, रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, जो हम लोग एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे रेजोनेंस का एप्लीकेशन, तब वहाँ पर आपको मैं और अच्छा से बताऊँगा
कि पूरा सिस्टम का जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, जब पूरा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिल जाता है, जब मैच करने लगा, जब मेरा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगा, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मतलब जो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है, ये सिस्टम का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, ठीक है, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी जब मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जब मैच करने लगा, या इधर देखिए, इधर मैच नहीं कर रहा था मैक्सिमम करंट के साथ, ठीक है, तो उसको हम इस फ्रीक्वेंसी सब को हम नहीं बोल रहे थे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब मेरा मैच करने लगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसको और आगे अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा एप्लीकेशंस में, तो फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि जब करंट मैक्सिमम हो जाता है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हुआ सीरीज में। अब समझते हैं पैरेलल में, तो फिर वही पैरेलल में क्या करेंगे, आरएलसी सर्किट को पैरेलल में जोड़ देंगे, तब मेरा पैरेलल आरएलसी सर्किट हो जाएगा। तो वहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगा, एक्सएल बराबर एक्सी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से करंट गया इससे, और तीन को रास्ता मिला, आईआर रजिस्टर से गुजरने के लिए, आईएल इंडक्टर से गुजरने के लिए, आईसी कैपेसिटर से गुजरने के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि जब मैं आरएलसी सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब वहाँ पर मैंने आपको करंट का ये वाला फॉर्मूला तो जरूर बताया था। आप लोग को अगर याद होगा, अगर आप लोग उस वीडियो को देखे तो आपको याद होगा कि वहाँ पर मैंने आपको ये फॉर्मूला जरूर बताया था, आई बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने उस वहाँ पर बताया था, तो फिर यहाँ पर अब डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ से वी बटा आर होता है ना, हैं, तो आई बराबर यहाँ पर इसका सीधा में वी बटा आर होगा, लेकिन यहाँ पर जो वी है, ठीक है, तो यहाँ पर आर का काम कौन करेगा, जेड। ये वाला भी फॉर्मूला मैं वहाँ पर आपको बताया था, तो सीधा सीधे इसको हम सॉल्व ना करके हम सीधा सीधे यहाँ पर डायरेक्ट चलते यहाँ पर, क्योंकि इतना कुछ मैं वहाँ पर सॉल्व किया था, तो सीधा सीधे यहाँ पर चलते कि 1/XL और 1/XC जब यहाँ पर था, तो यहाँ पर 1/XL माइनस फिर 1/XL काहे किए, काहे कैसे, ये रेजोनेंस कंडीशन में चला गया, रेजोनेंस कंडीशन में जब XL बराबर XC होता है, तो जहाँ पर XC है वहाँ पर हम XL लिख सकते, और इस तरीके से प्लस माइनस कट गया, तो मेरा ओनली 1/R बचा, यहाँ से रूट से स्क्वायर में से एक निकल गया, तो मेरा 1/Z बराबर 1/R हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जेड बराबर आर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा जेड बराबर आर। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, जेड बराबर आर हो जा रहा है, यानी ओम्स लॉ से हम लोग पता है, क्या पता है हमको, कि आई बराबर होता है वी बटा आर होता है ना, तो यहाँ पर आर के जगह में हम लोग जेड भी लिख सकते हैं। और जैसा कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको क्या पता रहता है, कि करंट मिनिमम रहता है, या फिर दूसरे शब्दों में वोल्टेज मैक्सिमम रहता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है ना वोल्टेज सेम रहता है, ये बताइए तो आप लोग। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट तो तीनों रास्ता में जाकर के बढ़ गया, करंट मिनिमम हो गया, बढ़ क्या गया वोल्टेज, तो करंट क्या रहता है, मिनिमम रहता है। तो करंट जैसे यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, वैसे मेरा रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, वैसे मेरा जेड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि किस कॉम्बिनेशन में जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है, ये जो किस टाइप के रेजोनेंस में मेरा जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो किस तरीके के रेजोनेंस में, सीरीज रेजोनेंस में ना पैरेलल रेजोनेंस में इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, हाँ इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है पैरेलल रेजोनेंस में, सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, समझ गए। अब इसका भी ग्राफ तो हम लोग देख लेते और समझ लेते। तो यहाँ पर हमको शुरू में ही पता है कि इसमें करंट मिनिमम होता है, तो देखते इधर करंट मैक्सिमम रहेगा, इस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम रहता है, धीरे धीरे जैसे नीचे आएगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि वहाँ पर करंट का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, और इधर करंट का वैल्यू मिनिमम है, और फिर जैसे इधर जाएंगे जोन, इधर क्या है फ्रीक्वेंसी है, देखिए इधर क्या है फ्रीक्वेंसी, तो इधर भी आप यहाँ भी, तो वो जिस पॉइंट पर मेरा ये जो नीचे ग्राफ आते आते जिस ये जब इसके साथ मैच करने लगेगा, इस पॉइंट के साथ और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिलेगा, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये जो आपका करंट जिस पॉइंट पर हमको मिला और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ मिल गया, मैच करने लगा, उस पॉइंट पर करंट मेरा क्या हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। और वो जो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे।
तो इस तरीके से भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलता है करंट जब मिनिमम हो जाता है, और जब करंट मैक्सिमम हो जाता है उस समय भी हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका एप्लीकेशंस, कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज देख सकते हैं, है? तो इसका हमको डेली लाइफ में यूज देखिए रेडियो एंड टीवी ट्यूनिंग में, ठीक है, जब हम लोग रेडियो या फिर टीवी चलाते हैं, है? जो डिश टीवी वाला जो टीवी रहता है या फिर सेट टॉप बॉक्स वाला जिसमें छाता लगाया जाता है छतरी, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखिएगा एंटीना जब सिग्नल नहीं पकड़ता है बरसात के समय तो वो धुंधला दिखता है, टीवी क्या दिखता है फटने फटने जैसा दिखता है उसका स्क्रीन, ठीक है, तो पिक्चर क्लियर दिख नहीं पाता जिस तरीके से यहाँ पर आपको इमेज में दिखाया जा रहा है एनिमेशन वीडियो में। आप समझिए किस तरह से ट्यूनिंग होता है, किस तरीके से ट्यूनिंग होता है आप समझिए कि क्या होता है, ब्लर पूरा दिखता है, ठीक है, स्क्रीन अच्छा से दिख नहीं पाता क्या सीरियल चल रहा है कौन सा पिक्चर चल रहा है दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस कारण से होता है कि जो मेरा रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी जो स्टेशन का जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो स्टेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा घर का रेडियो की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है, या फिर मेरा घर का टीवी वाला फ्रीक्वेंसी से मेरा स्टेशन वाला फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, इस कारण से वो धुंधला दिखता है। जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, आप लोग देखे होंगे FM रेडियो, मोबाइल का जो FM रेडियो होता है वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक जैसे फ्रीक्वेंसी कम रहता है तो आपका रेडियो क्या बज रहा वो सुनाई नहीं देता, आकाशवाणी में क्या बज रहा वो सुनाई नहीं देता, झिलझिलाता है बहुत ज़्यादा। तो एक जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जब मेरा हाँ धीरे 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 हाँ अब थोड़ा अच्छा क्लियर सुनाने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मोबाइल का जो रेडियो है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो जो स्टेशन पर है जो मेन पूरा सिस्टम लग जहाँ पर लगा हुआ उसका फ्रीक्वेंसी से यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब मैच करने लगा तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोलते, और इस फ्रीक्वेंसी को एक और नाम है, उस फ्रीक्वेंसी का एक और नाम है, क्या नाम है, उस फ्रीक्वेंसी का एक और नाम है एक्सेप्टर फ्रीक्वेंसी। और बाकी जो भी फ्रीक्वेंसी था जो शुरू में कम था वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजेक्टर फ्रीक्वेंसी, वो सबको रिजेक्ट कर देगा। और जो मेरा जिस फ्रीक्वेंसी पर मैच करने लगा और सुनाने लगा क्लियर सुनाने लगा वो फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तब अब आपको फील होने लगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आखिर होता क्या है, तो थोड़ा हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं इसका दो शब्द क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे में। तो व्हेन यू ट्यून ए रेडियो और टीवी टू ए स्पेसिफिक स्टेशन यू आर एडजस्टिंग इट, आपको एडजस्ट करना पड़ता है टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशन से सिग्नल, स्टेशन का सिग्नल पर जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच करवाना पड़ता है और उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी मैच, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है द डिवाइस पिकअप ओनली एंड स्टेशन क्लियरली एंड इग्नोर द, और जो उसके बाद जो मेरा क्या हुआ कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी मैच, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर गया द डिवाइस पिकअप ओनली डेट स्टेशन क्लियरली, उसी स्टेशन को क्लियरली आपको सुना रहा है, बाकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इग्नोर कर देता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्यूनिंग, इसी प्रोसेस को ट्यूनिंग बोलते हैं। समझ में आ गया, फील हो गया कैसे होता है रेडियो किस तरीके से बजता है। आगे देखते, ये हुआ पहला एप्लीकेशंस, पहला यूज। दूसरा देखते वायरलेस चार्जिंग। तो देखिए आपको एक एनिमेटेड वीडियो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आपको एक एनिमेशन यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से उसके ऊपर में रख देने से मोबाइल चार्ज होने लगता है, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और मोबाइल चार्ज होने लगता है। देखिए उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और चार्ज होने लगता है, और बाकी फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पा रहा था इसलिए उस समय चार्ज नहीं हो रहा था। और जैसे वहाँ पर रखे, उस स्टेशन पर रखे, उसका फ्रीक्वेंसी से मोबाइल का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, मोबाइल चार्ज होने लगा। वायरलेस चार्जिंग इसको बोलते हैं, ये एक नया टेक्नोलॉजी है वायरलेस चार्जिंग, जहाँ पर बिना कोई वायर का हम लोग चार्ज कर सकते हैं मोबाइल को, अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को। तो ये थोड़ा यहाँ पर नज़र डाल लेते क्या लिखा हुआ है कि इन वायरलेस चार्जर्स में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चार्जर टू द डिवाइस। सही बात है कि चार्जर से लेकर आपका मोबाइल का डिवाइस तक क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है यूजिंग वायर्स, विदाउट यूजिंग वायर्स, बिना तार का उपयोग किए। दिस इज पॉसिबल, या इस कारण से संभव हो पाया व्हेन चार्जर एंड द डिवाइस वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। देखिए वही बोल रहा है कि जब आपका मोबाइल और उस चार्जर का फ्रीक्वेंसी जब मैच कर गया, समझ रहे हैं ना, जब आपका डिवाइस और उस चार्जर का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, ठीक है, मैच सेम हो गया, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तब क्या हो गया, आपका मोबाइल चार्ज होने लगा। दिस मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी का मैच करना, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस घटना को बोलते हैं रेजोनेंस। जिस फ्रीक्वेंसी पर मैच किया उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस पूरी घटना को बोलते हैं रेजोनेंस। समझ में आ रहा है।
व्हेन दे रेजोनेट, जब रेजोनेट हो जाते हैं यानी रेजोनेंस का कंडीशन चल रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफर इफिशियंटली, बहुत कुशलतापूर्वक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और ये जो एनर्जी और ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये बहुत हाई स्पीड का होता है, यानी आपका मोबाइल जो है ना बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा इस तरीके से अगर आप लोग चार्ज करेंगे तो। और ये हर मोबाइल में अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं आया है, ठीक है, आगे के दिनों में या फिर आगे के कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी जरूर आ जाएगा कि विदाउट चार्जिंग मतलब विदाउट वायर का हम लोग अपना मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। आगे देखते हैं तीसरा, टोटल चार यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा। ये तीसरा एप्लीकेशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल, पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनिमेटेड आपको वीडियो दिखाते हैं। इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार एंड वायलिन, गिटार और वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में वाद्य यंत्रों में, व्हेन यू प्लग ए स्ट्रिंग, जब आप उसका तार को खींचते हैं, ठीक है, या फिर तार को वाइब्रेट करते, इट वाइब्रेट्स एट ए सर्टन फ्रीक्वेंसी, तब ये कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगता है, कंपन करने लगा ये जो वायलिन। अब आपको लोग यहाँ पर एनिमेटेड वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए क्या यहाँ पर एक वायलिन बजाया जा रहा है, वायलिन बजाया जा रहा है उसका, ठीक है। और इधर देखिए, इधर इधर आपको क्या दिखेगा, गिटार के तार को क्या किया जा रहा है, कंपित किया जा रहा है, वाइब्रेट कराया जा रहा है, और जिस कारण से मेरा क्या हो रहा है, एक लाउड साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रेजोनेट्स विथ दीज वाइब्रेशंस मेकिंग द साउंड लाउडर एंड रिचर, और इस तरीके से जब उस गिटार का बॉडी और उसका तार का जब दोनों का फ्रिक्वेंसी मैच करने लगता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे सड़क पर ये हो रहा है, ड्रिल चलाया जा रहा है, ठीक है, रोड पर सड़क किनारे ड्रिल चलाया जा रहा है, तो आप लोग अपना घर पर बैठे बैठे कुछ आप लोग का घर के सामान जैसा टेबल कुर्सी वगैरह हिलने लगता है, कंपित करने लगता है, तो इसका मतलब ये भी आपका एक रेजोनेंस का ही कंडीशन पर लागू होता है, ठीक है। तो जो सिस्टम का यानी आपके ये आप जो आपका घर का जो भी टेबल वगैरह है उसका वो भी कंपित कर रहा है, इसका मतलब उसमें भी कुछ फ्रिक्वेंसी आ गया। दुनिया में जितना भी चीज़ है जो आपको रेस्ट में दिख रहा है, कोई रेस्ट में नहीं होता, सब कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि दुनिया में जितना भी कुछ है कोई रेस्ट में नहीं है, सब मोशन में कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब आपका घर का टेबल का या चेयर का फ्रिक्वेंसी यानी जो कंपन हो रहा है उसका फ्रिक्वेंसी, सड़क किनारे जो ड्रिल चल रहा है उसका फ्रिक्वेंसी से जब मैच करने लगेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी फेनोमिनन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे, समझ में आ रहा है। और इस तरीके से जो साउंड है वो और ज़्यादा लाउड हो जाएगा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिचर हो जाएगा। दिस रेजोनेंस हेल्प्स एम्पलीफाइंग एंड क्लैरिफाई द साउंड, और ये जो घटना है, ये जो रेजोनेंस की घटना है, इससे हमको उस साउंड को पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्लैरिफाई हम उस साउंड को समझ पाते हैं कि किस चीज़ का साउंड है। आगे देखते हैं, एक लास्ट यहाँ पर एप्लीकेशन है कि फिल्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। कभी कभार आपने देखा होगा, अगर आप लोग मोबाइल का जहाँ पर चार्ज किया जाता है उस जगह को अगर साफ़ कराने या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को साफ़ कराने यानी उसका गंदगी को निकालने के लिए दुकान में गए होंगे, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि क्या किया जाता है, एक उसमें आवाज़ दिया जाता है, एक वेव वहाँ पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, एक तरंगे वहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है। वो तरंग क्या करता है, वो वेव वहाँ पर जितना भी सारा गंदगी हो उसको निकाल देता है, ठीक है, अपना साउंड से, अपना फ्रिक्वेंसी से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फिल्टर में भी यानी उसको साफ़ करने में भी जहाँ तक ह्यूमन नहीं पहुँच सकता है उसको भी कैसे साफ़ किया जाता है, फ्रिक्वेंसी यानी तरंगों को भेज के, ठीक है। तो कुछ हम लोग यहाँ पर दो शब्दों को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि मेनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सच एज दोज इन स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काफ़ी छोटे छोटे जिसमें गंदगी बैठ जाती है, यूज रेजोनेंस टू फिल्टर आउट अनवांटेड फ्रिक्वेंसी। समझ रहे कि क्या होता है कि काफ़ी छोटे छोटे स्मॉलेस्ट गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अंदर में अगर कोई कचरा वगैरह फंस गया है तो उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी दूसरा चीज़ हम वहाँ पर या फिर कोई दूसरा इक्विपमेंट वहाँ पर डाल के हम उसको साफ़ नहीं कर सकते, तब क्या किया जाता है, एक वेव, एक रेजोनेंस वाला क्या किया जाता है, तब वहाँ पर रेजोनेंस ये जो फेनोमिना है उसको अप्लाई किया जाता है, एक फ्रिक्वेंसी वहाँ पर भेजा जाता है, एक वेव वहाँ पर तरंग भेजा जाता है, जिससे क्या होता है वो जो गंदगी है उसको वाइब्रेट करके निकाल देता है। दिस हेल्प्स क्लीन अप सिग्नल्स, ये क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स क्लीन अप सिग्नल्स एंश्योरिंग दैट डिवाइस ऑपरेट इफिशियंटली, ठीक है,
जिस कारण से मेरा डिवाइस क्या करता है, बहुत अच्छा तरीके से काम करने लगता है क्योंकि अब वहाँ से कचरा हट गया एंड विदाउट इंटरफेरेंस। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सारा यहाँ पर आपको लगभग लगभग फील हो गया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है। ये रेजोनेंस आपका LRC सर्किट से भी रिलेटेड था और कुछ आपका डेली लाइफ में जिस तरीके से यूज होता है उस पर भी बेस है, ठीक है, उससे भी रिलेटेड है। तो आपने रेजोनेंस को फिजिकल लैंग्वेज में आपने समझ लिया है और फील भी कर लिया है, ठीक है, और जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैंने आपको बता दिया है। तो इतना ही आप लोग करके चल जाइए, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देखिएगा, इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। अगर आपको LR सर्किट और RC सर्किट को समझना है तो इन दो वीडियो में क्लिक कीजिए, इन दो वीडियो को क्लिक कीजिए, LR सर्किट के लिए इसको क्लिक कीजिए, RC सर्किट के लिए इसको क्लिक कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।